सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एयरटेल कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो तो आप कैसे बात कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना 198 और उसके बाद यहाँ पर एयरटेल वाले से मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि वेलकम टू एयरटेल, वी आर ऑलवेज ओपन टू योर क्वेश्चन, यू कैन शेयर योर क्वेश्चन विद अस ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप। यू आर अनेबल टू यूज डेटा सर्विस, प्रेस 1। If you are unable to make or receive calls, press 2. If you have lost or damaged your SIM, press 3. To share your feedback over IVR, press star. To repeat, press 0. To go back to the previous menu, press 7. To go back to the main menu, press 8. To speak to our customer service specialist, press 9. Please be online while your call is transferred to our customer service specialist. This call may be recorded for service quality assessment. Hello. जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर मैंने आपके सामने लाइव कॉल करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में किया था क्योंकि इंग्लिश में मैं जल्दी से लग जाती है कॉल, ठीक है। और यही प्रोसेस आपको हिंदी में अगर आप करोगे तो हिंदी में भी इसी तरीके से आप कॉल कर सकते हो कस्टमर केयर के पास, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। एयरटेल वालों में जल्दी लग जाता है, लेकिन आइडिया वोडा में उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन एयरटेल में जल्दी लग जाता है। तो इसी तरीके से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।